और हम लोग बहुजन समाज के लोग बहुमत में न बदल जाएं, ये डर इन्हें हमेशा सताता है ना। हम बहुजन समाज के लोग बहुमत में न बदल जाएं, पहले इन्होंने क्या किया, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे देश की दाल 50 रुपए किलो खरीदी और उसे घुमा के लेके आए कि तो अफ्रीका से आई है और ये यहाँ पे लाके 200 रुपए किलो बेची गई, जिससे हमारे लोग खरीद ही ना पाए, खाने पीने पे पाबंदी हम लोगों की। अब क्या हो रहा है, ये अपनी महिलाओं को कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो और हमारे लोगों का रोजगार बंद कर रहे हैं, जिससे कि हम ना तो खा सके, ना कमा सके, ना बच्चों को पढ़ा सके, ना और कोई भी संपत्ति इकट्ठी कर सके। हमें तो हर तरीके से इन्होंने पीछे करने की कोशिश की हुई है। मैं यहाँ पर SMP न्यूज से आए सुभाष सागर जी, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कीजिए, उसके बाद अध्यक्ष जी अपना समापन भाषण करेंगे। 2 मिनट। सभी को सुभाष सागर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज की जो मैं सुबह से हूँ और सुबह से सभी लोगों को ज्यादातर सुना है और बहुत खुशी भी हुई मुझे कि इस तरीके से लोग चिंतित हैं, लेकिन आज का बहुत कम लोग मुख्य एजेंडा जो था उस पर मेरे को खुद लगता है बहुत कम बोले हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन इसी पे मैं 2 मिनट अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा बहुजन समाज की राजनीति पर बात करूंगा, सिर्फ बहुजन समाज की राजनीति। आज अगर हमें जरूरत है बहुजन समाज की राजनीति की, तो वो दत्तू प्रसाद जी ने भी बोला है और एक हमारे जोशी भाई थे, एक हमारे लखनऊ से शायद चक्के आए आगे से साथ जो थे, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला। आज की स्थिति जो है वो बहुजन समाज की जो बिखराव है, जो सर्वजन की वजह से बहुजन की वजह से सर्वजन आया। काशीराम साहब ने कहा था DS4 बनाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ बाकी सब है DS4। इसका मतलब बहुत मजबूती के साथ था, 85% की तरफ इशारा उन्होंने किया, 85% की बातें की। लेकिन आज जो हमारे